नमस्कार दोस्तों, रॉयल फार्मर का यूट्यूब चैनल देख रहे सभी मेरे किसान भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थ्रेसर में लगने वाले टायर के बारे में। दोस्तों, ज़्यादातर हम जो मशीनें लेते हैं, जैसे हो गया चाप कटर, मक्का की मशीनें हो गई, पैडी थ्रेसर कई प्रकार के आ रहे हैं, और भी मल्टी क्रॉप थ्रेसर, इन मशीनों में हमें ज़्यादातर 616, 750/16, 916 या फिर 12/28 के जो ट्रैक्टर वाले टायर होते हैं, ये देखने के लिए मिलते हैं। अब कौन सी मशीन के लिए कौन सा टायर सही है, ये कन्फ्यूजन हमें अक्सर रहती ही है। तो चलो आज हम इसी वीडियो में जानते हैं कि किस मशीन के साथ कौन सा टायर हमको लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाप कटर की, जो कि चारा काटने की मशीन अपनी आती है। चाप कटर का दोस्तों नॉर्मल जो वजन रहता है, जो इसका वेट रहता है, वो 7 से 8 क्विंटल के बीच में होता है। तो इसके लिए हमको 616 का टायर सही रहता है, या फिर अगर अपना वजन जैसे 7 क्विंटल के आसपास में ही है, तो अगर 17 नंबर का कोई भी बढ़िया कंपनी का पुराना टायर जो है मिल जाए, वो भी बढ़िया रहता है। इसमें आपको 2000 से 2500 रुपए तक की पुराना टायर लेने में बचत हो सकती है। तो कोशिश करिए, जब भी आप चाप कटर खरीदते हैं, तो इसमें आप 17 नंबर या 616 का टायर ही लें। इससे ज़्यादा टायर हैवी लेने का कोई अपने को बेनिफिट इसमें नहीं आता है। तो इसके बाद दोस्तों फिर आता है अपना मक्का वाला छोटा थ्रेसर। मक्का वाला छोटा थ्रेसर का वजन दोस्तों रहता है 3 क्विंटल से 4 क्विंटल के बीच। फिर एलिवेटर वगैरह अगर साथ में लग जाए तो उसकी अलग बात है, नॉर्मल मशीन का वजन जो है इतना ही रहता है। तो इसमें जो है, अगर अपने को 14-15 नंबर का किसी बढ़िया कंपनी, जैसे अपोलो हो गया, MRF हो गया, सीएट हो गया, जैसे और भी नामी कंपनियां हैं, इनके पुराने टायर मिल जाएं, जो कि कार के टायर होते हैं उसमें से निकाले हुए होते हैं, क्योंकि अपने को थ्रेसर ज़्यादा चलाना नहीं होता, तो इनका जो लाइफ है वो भी नया टायर के बराबर ही होता है। तो अगर अपने को ये टायर मिल जाते हैं, तो इसमें आपका 4000 रुपये तक का बचत हो जाता है। अगर ये टायर आपको नहीं मिलते, तो आपको फिर 616 का टायर ही जो है इसमें लेना चाहिए। तो ये जो आपको मैं बचत बता रहा हूँ, ये पुराना टायर जो है, इसमें रिम, एक्सल सब चीज़ को मिला के इस चीज़ का बचत जो है मैं आपको मिला रहा हूँ। सिर्फ टायर में इतना अंतर नहीं आता, टायर, एक्सल, सारा चीज, रिम, सब चीजों को मिला के इसमें जो है अंतर आता है। तो दोस्तों तीसरा नंबर पर जो अपना आ जाता है मक्का वाला बड़ा मशीन, जिसको हम डिहेस्कर मॉडल भी बोल देते हैं। इस मशीन का वजन जो होता है 11 क्विंटल, 10.5 क्विंटल, 12, लास्ट 13 तक भी चला जाता है, और कुछ कंपनियों की मशीन इससे भी हैवी हो सकती है, लेकिन नॉर्मल मशीनों का वजन इसमें रहता है। तो इसमें दोस्तों आपको 616 का टायर ही लेना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि आपको, जैसे आपकी मशीन में एलिवेटर कन्वेयर साथ में लगता है, तो कोशिश कीजिए कि जो एक्सल है उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो, और एक्सल जो है हैवी होना चाहिए, ताकि जो मशीन का पलटने का खतरा कम हो जाए। कन्वेयर वाली मशीन क्या होता है कि कई बार खेत में जाके पलट जाती है। उसका रीजन ये रहता है कि उसका वजन कन्वेयर का एक साइड में होता है, और अपना जो एक्सल की चौड़ाई है वो कम रहती है। तो कोशिश करिए कि इस मशीन में आपको एक्सल जो है दूसरा आम नॉर्मल एक्सल के मुकाबले में ज़्यादा चौड़ा मिल जाए। तो चौथा नंबर थ्रेसर दोस्तों आता है पैडी थ्रेसर। इसमें तो इतने मॉडल आ रहे हैं कि अगर इसका अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें जो आपका नॉर्मल है 3 फैन से लेके आज 9 फैन तक में जो है 9 पंखा की मशीन भी मार्केट में आ रही है। जो 3 पंखा की मशीन है, वो लगभग उसका वजन वही 12-13 क्विंटल से लेके 14 क्विंटल तक में हो जाता है। उसके ऊपर जो पंखे बढ़ाते जाते हैं, तो इस मशीन का वजन 16 क्विंटल 17 क्विंटल तक में भी चला जाता है। अगर अपना मशीन का वजन 13-14 क्विंटल तक है, तो 616 के टायर इसके लिए बेहतर हैं। बस क्वालिटी अच्छा होना चाहिए टायर का, ऐसे बहुत मतलब चीप क्वालिटी का टायर जो है इसमें नहीं होना चाहिए। क्वालिटी बढ़िया हो तो 616 का टायर भी इसमें बेहतर है। अगर इसके ऊपर जैसे हमारे पंखे बढ़ते जाते हैं,
तो इस मशीन का वजन मान के चलिए अगर 14-15 क्वांटल हो गया, 16 क्वांटल हो गया, तो उसके लिए दोस्तों अपने को लेना चाहिए 7/50/16 का टायर, जो कि बहुत ही बढ़िया रहता है इसमें। तो जो 616 से हम 7/50/16 का टायर लेंगे, लगभग इसमें अंदाजा है, कन्फर्म नहीं बता रहे, कि इसमें आपका 2,000 रुपये का खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। फिर अगर इसमें आप 719 का टायर लेते हैं तो 7/50/16 से लगभग 1,000 से 1,500 रुपये का खर्चा आपका और बढ़ जाएगा। लेकिन मेरी अपनी एक पर्सनल राय है कि अगर आपकी मशीन का वजन 16-17 क्वांटल के बीच में है तो आपके लिए 7/50/16 का टायर ही सबसे बढ़िया है, बस शर्त यह है कि उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल चालू क्वालिटी का टायर जो है नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद दोस्तों अपनी आ जाती है जैसे साई टोकरी वाली मल्टी क्रॉप मशीन, तो इस मशीन का वजन थोड़ा दूसरे से ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें आप 7/50/16 का टायर भी ले सकते हैं अगर क्वालिटी बढ़िया हो, तो नहीं तो आप इसमें अगर 20 क्वांटल के आसपास में इसका वजन है तो आपको इसमें जो है 916 का टायर लेना चाहिए। तो ये 916 का टायर जो है आपका इस मशीन में बढ़िया सूटेबल रहेगा। उसके बाद दोस्तों आ जाती है अपनी बैक टोकरी जो कि मल्टी क्रॉप मशीन, इसका वजन दोस्तों लगभग 30 क्वांटल से ऊपर ही रहता है लगभग इस मशीन का वजन। तो इसमें आपको क्या है कि अगर आप इसमें 916 का टायर लेते हैं लेकिन उसका क्वालिटी अच्छा है तो भी आपका मशीन बढ़िया चलेगा। लेकिन अब बहुत सी कंपनियां इसमें 12/4 28 का टायर भी दे रहे हैं, वो दिखने में बहुत बड़ा हो जाता है, मशीन ऊंचा भी हो जाता है, दिखने में बढ़िया भी लगता है, वो आपका चॉइस है दोस्तों। 12/4 28 भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन 12/4 28 का टायर इसमें लेने का आपको 916 के मुकाबले लगभग खर्चा 10,000 से 12,000 13,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, जिसका कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा, बस मशीन दिखने में कुछ ज़्यादा हैवी लगती है, क्योंकि ट्रैक्टर का जो टायर होता है वो ट्रैक्टर को जो खींचता है उसके लिए वो 12/4 28 का टायर काम आता है, मशीन ने खुद नहीं चलना, मशीन को ट्रैक्टर नहीं खींचना है, तो 916 का टायर भी इसमें बहुत बढ़िया रहता है। तो दोस्तों देसी जानकारी आपको मशीनों में लगने वाले टायरों के बारे में, और हम जल्द ही एक और वीडियो लेके आएंगे जो कि पैडी थ्रेसर में आजकल बहुत ज़्यादा पंखों का चल रहा है, 7 फैन 8 फैन 9 फैन तक में भी मशीनें बन रही हैं, उसमें से कितना फैन का मशीन आपको लेना चाहिए उसके लिए जल्दी हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आएंगे। तो और भी ऐसी जानकारी जो है हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। सो आप हमारे अपने अपने चैनल को, हमारा नहीं ये आपका अपना चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ता जो जो भी और जानकारी की वीडियो हम डालें वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों का अपना चैनल रॉयल फार्मर आपकी सेवा में 24 घंटा 365 दिन हाजिर रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।